Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Today we will study Lecture Three of Chapter Nine: Diversity Among Animals. In this lecture, we will study about the general characteristics of Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, and Phylum Echinodermata. So first, come towards the Phylum Annelida. The word Annelida is derived from Latin word annulus. एनालीडा का जो वर्ड है ये डिराव हुआ है लेटन वर्ड एनोल्स लिटल रिंग इसका मतलब है कि एनालीडा के बॉडी में कहीं ना कहीं पर लिटल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड वम्स एनालिट्स को कहा जाता है सेगमेंटेड वाम्स सेगमेंट्स मीन्स की जो बॉडी जो होती हैं वो सेगमेंट्स में डिवाई डिवाइड हुई होती हैं पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है तो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं लिटल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके सेगमेंट्स की और इन लिटल uh, रिंग्स को या सेगमेंट्स को कहा जाता है मैटमर्स मैटमर्स और एनुलस, और इस फिनला को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन और जिस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उस बॉडी को कहा जाता है कि बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो एनालिट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है उनकी बॉडी में स्मॉल रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट देयर बॉडी और ये सेगमेंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों प्रेजेंट होते हैं बोथ प्रेजेंट बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली सिंपली आप कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ एनालिट इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स की तरफ हम आते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है कि एनालिड्स आर फ्री लिविंग और एक्टोपेरासाइड्स एनालिड्स के कुछ मेबर्स फ्री लिविंग्स होंगे और कुछ मेम्बर्स जो है वह होंगे हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स फ्री लिविंग की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फ्री लिविंग की एग्जाम्पल हमारे पास है अर्थ वॉम एक्टोपैरासाइट्स पैरासाइट्स हमने पढ़े कि हमारे पास टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं एक हमारे पास होता है एंटोपैरासाइट्स और सेकेंड हमारे पास होता है एक्टोपैरासाइट्स एंडो मीन्स इनसाइड तो वो पैरासाइट्स जो के होस्ट बॉडी के इनसाइड रहते हैं उनको कहा जाता है एंटोपैरासाइड्स एंड एक्टो मीन्स आउटसाइड यहाँ पे हमारे पास एक्टो का वर्ड है एक्टो मीन आउटसाइड तो ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि दैट लिव आउटसाइड दी होस्ट बॉडी जो कि सरफेस पे रहते हैं तो एनलिड्स में कुछ पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये पैरासाइट्स क्या होते हैं ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्टो पैरासाइट की एग्जाम्पल है स्टाइलेरिया या एंड हाइरोड ये हमारे पास क्या है एक्टोपारासाइट्स फाउंड इन सॉइल फ्रेश वाटर एंड मरीन टेरेस्ट्रियल भी है अर्थ पे भी मरीन सॉयल में भी पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मरीन में प्रेजेंट होते हैं मरीन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है नेरीस ये हमारे पास क्या है मरीन में रहता है बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसकी बात हमने कर ली थी स्टार्ट में कि जिस बॉडी में मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस बॉडी को कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड सर्कुलेटरी नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी इनके जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट प्रजेंट नहीं होते बल्कि थ्रू आउट द बॉडी ये तीनों के तीनों सिस्टम एक्सटेंड हुए होते हैं ट्रू सीलोम इज़ प्रजेंट ट्रू सिलोम मीन्स ट्रू बॉडी कैिटी प्रजेंट होती है इसमें इनका जो सीलोम होता है उसको कम्पार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया क्या होता है मीन्स इनको पोर्शनस में डिवाइड किया गया होता है जो सीलोम होता है लेकिन ये इनके जो कम्पार्टमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं आपस में इनका कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन क्यों किस वजह से होता है जो इनके एलिमेंट्री कैनाल में जो स्पेसिस होते हैं एलिमेंट्री केनाल में स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो सीलोम्स कंपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो सीलोमिक फ्लूड होता है वो भी क्या होता है मिक्सड मिक्सड होता है मींस एक कंपार्टमेंट का सिलोमिक फ्लूड दूसरे के कंपार्टमेंट के साथ मिक्स लेट्स सपोज हमारे पास कैविटी है और ये हमारे पास इस तरह से कम्पार्टमेंट्स में डिवाइड की गई है तो इनके जो यहाँ पर जो फ्लूड प्रेजेंट होगा वो इसके साथ मिक्स हुआ होगा और इसका इसके साथ आपस में इनका जो फ्लूड होता है वो क्या होता है मिक्स हुआ होता है सेपरेट नहीं होता कि हर एक चैम्बर का जो फ्लूइड होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे के फ्लूड से सिलोमिक फ्लूड सर्व एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमारे पास क्या होता है फ्लेक्सीबल स्केलेटन होता है जिसको सपोर्ट मिलती है फ्लूड प्रेशर से एक हमारे पास सिंपल स्केलेटन uh, होता है जो कि हार्ड होता है लेकिन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेट हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है और इसको सपोर्ट करता है फ्लूड प्रेशर अब जो सिलोमिक कैविटी में या जो सिलो में फ्लूड प्रेजेंट होता है वो uh, क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को सपोर्ट करता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमारे पास वैसे सॉफ्ट होता है लाइक बलून अगर आप बलून की एग्जाम्पल लें तो बलून का वैसे हमारे पास कोई शेप इतना विजिबल नहीं होता लेकिन जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो उसकी वजह से बैलून जो होता है वो प्रॉपरली अपने शेप में आ जाता है इस सिमिलरली हाइड्रोस्थेटिक स्केलेटन भी हमारे पास क्या होता है फ्लूड के प्रेशर की वजह से अपने जो शेप होता है उसको गेन कर लेता है और उस वजह से ये रिजिड भी हो जाता है सख्त भी हो जाता है अगर उसमें फ्लूड प्रेजेंट ना हो तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमारे पास क्या होता है सॉफ्ट होता है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय नेफ्रीडिया इसके जो एक्सक्रीशन होती है वो होती हैं थ्रू नेफ्रेडिया अब आगे हम देखते हैं डायग्राम में कि नेफ्रेडिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल गैंगलिया सॉलिड डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। गैंगलिया हमारे पास रिले स्टेशंस होते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स हमारे पास एक वर्ड होता है गेंगलियान एक वर्ड हमारे पास है गेंग्लियन और एक हमारे पास होता है गेंग्लिया अब गेंग्लियन और गेंग्लिया में क्या डिफरेंस है गेंगलियन हमारे पास होते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज़ न्यूरॉन बॉडीज का अगर हम एक ग्रुप ले लें उसका एक कलेक्शन ले लें तो उसे हम कहते हैं गेंग्लियन जबकि गेंग्लिया हमारे पास क्या होता है गेंग्लिया इज़ साइनेप्टिक रिले स्टेश बिटवीन न्यूरोम्स न्यूरोस के दरमियान हमारे पास ये रिले स्टेशंस होते हैं इसको इंफॉर्मेशन मिलते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं इसके न्यूरोम और उसको आ, आगे दूसरे गैंगलिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है रिले स्टेशन होता है ठीक है बिटवीन न्यूरोस तो इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं डॉट्स सेलगैंगिया सॉलिड डबल लॉन्गील वेंट्रल नर्व कॉर्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम इज एबसेंट रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू मॉइस्ट स्किन द बॉडी वॉल कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गील मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन अब ये हमारे पास है नेफ्रीडिया जिसके थ्रू हम क्या होती है एक्सक्रीशन होती है इसको हम इस तरह से जूम करके अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेफ्रीडिया जो हमारे पास क्या है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास है इसका नर्वस सिस्टम इसमें आपको दिखाई देगा सेरिब्रल गैंगलिया वेंट्रल नर्व कॉर्ड सब इसफेजल गेंगलियान माउथ और सरकम कनेक्टिव गेंगलियान ये हमारे पास क्या है इसका नर्वस सिस्टम है और ये इधर हमारे पास है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसके जो वॉल्स है बॉडी वॉल होते हैं उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन है स्मॉल स्मॉल जो कि हेल्प करती हैं इन लोकोमोशन और इसको कहा जाता है सीठिया या इसको कहा जाता है चीठिया ये हमारे पास है इसके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इसके अलावा आपको यहाँ पर नेफ्रीडिया भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सर्कुलर मसल जो कि इसके बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूटनल मसल्स जो कि इसके लोको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये यह प्रेजेंट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हर्ट सेरेब्रल गैंगलियन माउथ फेरनिक्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्लियरली आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट है यहाँ इसके दो ओपनिंग है माउथ एंड एनस तो इसका दो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास क्या होता है एक एलिमेंट्री केनाल के फॉर्म में होता है और इसके दो ओपनिंग होते हैं एक माउथ और दूसरा हमारे पास क्या है इसका एन ये हमारे पास वही सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है कि द बॉडी वॉल कंटेन्स सर्कुलर एंड लॉन्गी मसल्स और यहाँ पर हमने वो देख लेते हैं हमारे पास सर्कुलर और लॉन्गील मसल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विच हेल्प्स इन लोकोमोशन दर्गन ऑफ लोकोमोशन आर काइटीनियस चिठिया और सीठिया जो कि आप यहाँ देख लिए कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल मोस्ट एनालिट्स आर हर्माफ्राडाइट सेक्सेस आर सेपरेट इन सम एनाड्स हेरमेफ्रोल वो होते हैं जिसमें सेक्सेस जो होते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनालीड्स में हमारे पास कुछ ऐसे भी मेम्बर्स हैं जिनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स uh, में प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डिवेलपमेंट इस थ्रू ट्रोकोफोर लारवा ट्रोकोफोर लार्वा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्री स्विमिंग लार्वा होता है यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास क्या है ट्रोकोफोर रीजनरेशन इज़ कॉमन रीजनरेशन क्या होता है अगर इंडिविजुअल का कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाए किसी भी वजह से कट हो जाए तो वो उस पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं या अगर बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में या थ्री या फोर पार्ट्स में कट हो जाए तो हर एक जो पार्ट होता है वो दोबारा एक न्यू इंडिविजुअल में मीन कंप्लीट फॉर्म में अपनी बॉडी को दोबारा से कंप्लीट कर लेता है रीजनरेट कर लेता है बॉडी को तो ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी um, है या जो करेक्टरिस्टिक है ये हमारे हमारे पास एनालिट्स में कॉमन है फाइलम एनालिडा कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लासेस क्लास पॉलीचीटिया क्लास ओलीगोचीटिया एंड क्लास हाइरोडाइनी। इसके अलावा हमारे पास जो एनालिट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम Uh, इसके अलावा हमारे पास है कि एनालेट्स आर द फर्स्ट ग्रुप इन एनिमल किंगडम हैविंग डेफिनेट क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड वेस्कुलर माटर वेस्कुलर, वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय नेफ्रीडिया These are ciliated organs present in each segment of the body. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एनालिडा के या आइए आप देख सकते हैं नेरीज अर्थवाम लीच और ये हमारे पास है एम्फीट्राइट evolutional adaptations in annelida basic adaptive feature is the septal arrangement, powerful circular and longitudinal muscles जो कि इनके body wall में present होते हैं wide variety of feeding adaptations uh, annelids जो होते हैं इसमें हमारे पास feeding uh, adaptations जो तीस की means different types की feeding इसमें adaptations होती है uh, simply अगर आप कहें कि ये different तरीके से ये फीडिंग कर सकता है फूड ले सकता है इकनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनल आर पॉलीची आर इम्पोर्टेंट फॉर फूड आइटम कॉन्ट्रीब्यूट टू रील फॉर्मेशन अर्थ वॉम्स हेल्प इन सॉइल इम्प्रूवमेंट अर्थ वाम जो है वो तो इसके लिए मीन्स uh, uh, इसकी बेसिक कैरेक्टर है कि क्या करता है सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है रील uh, फॉर्मेशन हमारे पास उस प्रोसेस कहते हैं जिसमें जो सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं जो सिल्क का uh, मीन्स जो सिल्क जिस तरह बनाते हैं कोकून से उस प्रोसेस को कहा जाता है रील फॉर्मेशन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड जॉइंट फुटेड एनिमल्स आर्थ्रोपोडा का जो वर्ड है ये डिराइव uh, हुआ है टू वर्ड से आर्थ्रोस आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट और सेकेंड जो है हमारे पास है फॉर्ड फॉर्ड मीन्स फीट तो इसका मतलब है कि जॉइंटेड फीट आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड और पॉड्स मीन फीट तो ये हमारे पास क्या हो गया जॉइंटेड फीट या जॉइंट फुटेड एनिमल्स इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि आर्थरपोडा हमने बात की थी कि आर्थरपोडा हमारे पास सबसे लार्जेस्ट फाइलम है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स जिसमें हमारे पास फ्री लिविंग इंसेक्ट्स भी प्रजेंट होते हैं या मेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में हमारे पास पैरासिटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेड बॉडी इज सेगमेंटेड द सेगमेंट्स आर अटैच टू ईच अदर बाई अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ अ क्यूटिकल विच इज थे एंड फ्लैक्सीबल इनके बॉडी जो होती है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन वो सेगमेंट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू क्यूटिकल ऑर्थ्रोपोड वेरी इन स्ट्रक्चर। एक लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के लार्ज वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट होते हैं तो इससे इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है मीनस उसमें वैरायटी प्रेजेंट होती है सम आर वाम लाइक एंड सम आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स की फॉर्म में और कुछ हमारे पास वाम की फॉर्म में होते हैं इनके जो सेगमेंट्स uh, होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं मॉडिफाइड होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनका जो एक बेसिक जो इनका वो है इनके सेगमेंट्स का वो ये है कि इनके सेगमेंट्स फ्यूज्ड हुए होते हैं और फ्यूज होकर वो क्या बनाते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सिमेट्री इज़ बायलेट्रल इनकी जो सीमेट्री uh, होती है वो बायलेट्रल सिमेट्री होती है बॉडी जो होती है उसको डिवाइड किया गया होता है इन थ्री मेन पार्ट्स हेड थॉरिक्स एंड एब्डोमेन यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड थॉरिक्स एंड एब्डोमेन थ्री मेन पार्ट्स में इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया होता है और इसकी इनकी बॉडी कवर होती है बाय अटन हमारे पास क्या होता है इसका यहाँ पर इसको लेबल नहीं किया गया लेकिन इनकी बॉडी जो कवर होती है वो कवर होती है बाय काइटन देयर आर सेवरल पेयर ऑफ अपेंडेजेस ईच पेयर ऑफ अपेंडेज विद मैनी जॉइंट इज़ यूज फॉर मूवमेंट इनकी जो अपेंडेजेज uh, जो कि पेयर्ड होती हैं वो क्या है? बनाती हैं लेग्स -like बनाती हैं या विंग लेग स्ट्रक्चर बनाती हैं और इनके जो लेग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द मूवमेंट और इनकी जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट uh, डायरेक्शंस uh, में होती है सीलोम इज़ रिड्यूस्ड एंड इज कॉल्ड हीमोसील हीमोसील मींस हीम ब्लड के लिए हमेशा यूज़ होता है तो इनका जो सीलोम होता है इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सर्कुलेटरी फ्लूइड मोस्टली हमारे पास ब्लड ही होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड इसलिए इसको कहा जाता है हीमोसील और इनका जो सिलोम होता है इसमें चूंकि हमारे पास ब्लड या सर्कुलेटरी फ्लूड प्रेजेंट होता है इस वजह से इनका जो सिलोम है वो कनेक्टेड होता है विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम औरथ्रोपोर्ट्स है कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है एलिमेंट्री केनाल के दो ओपनिंग होते हैं एक माउथ और एक एन और दोनों पार्ट जो होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है माउथ पार्ट जो होता है वो क्या होता है आर मॉडिफाइड फ्रॉम अपनेडिजेज़ एंड आर एडेप्टेड फॉर डिफरेंट मैथड ऑफ़ फीडिंग इनका जो माउथ होता है वो मॉडिफाइड होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग लाइक ये स्मॉल प्लांट्स पर भी फ़ीड करता है प्लान्स की जूसेज पर भी फीड करता है एनिमल्स पर, पर भी फीड करता है क्योंकि इसमें हमने बात की कि हमारे पास पैरासिटिक भी है और फ्री लिविंग भी है तो इनका जो माउथ है माउथ और एनएस दोनों हमारे पास क्या है मॉडिफाइड है और दोनों के स्पेशल फंक्शंस हैं माउथ जो होता है वो यूज़ होता है फॉर वाइड वराइटी ऑफ फीडिंग हैबिटेट फीडिंग में हमारे पास इट फीड्स ऑन स्मॉल प्लांट्स plant juices एनिमल्स etc nervous सिस्टम इज़ हाईली developed इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है उसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है ब्रेन के साथ साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं गेंगलियान हर एक सेगमेंट जो होता है इनकी बॉडी सेगमेंटेड uh, है हमने इससे पहले बात करती थी कि इनकी बॉडी क्या है हमारे पास बॉडी इज सेगमेंटेड और हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है गेंगलियान प्रेजेंट होता है जिससे नर्व्स जो होते हैं वो अराइज हुए होते हैं अब हर एक सेगमेंट में हमारे पास गेंगलियन होता है मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज होती है और उनसे फिर फर्दर नर्व्स जो होते हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड एंटीना फॉर्म दी सेंसरी ऑर्गेन यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं एंटीना और इसका ये हमारे पास क्या है कंपाउंड आई तो एंटीना हमारे पास क्या होता है इसका पेयर होता है पेयर पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड एंटीना फॉर्म सेंसरी ऑर्गन ये दोनों कंबाइन होके सेंसरी ऑर्गन बनाते हैं एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स कॉल्ड कॉक्सल एंटीनल और मैक्सिलरी ग्लैंड्स एक्सक्रीशन के लिए इनके स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है कॉक्सल एंटीनल और मैगजलरी ग्लैंड्स इंसेक्ट्स में जो हमारे पास होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कहा जाता है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स मालफीजियन ट्यूब्यूल्स मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज एक्सक्रीटिव ऑर्गन इन इंसेक्ट्स एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड सॉलिड यूरिक एसिड मीन्स लिक्विड फॉर्म में नहीं होता सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में इसके जो नाइट्रोजीनियस uh, वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव ट्रैकिअल सिस्टम फाउंड बाई द एयर ट्यूब्स कॉल ट्रैकिया In aquatic arthropod, respiration takes place through gills. Skeleton is exoskeleton. Skeleton भी हमने hydrostatic skeleton की भी हमने बात की थी कि वो skeleton होता है जिसको जो flexible होता है और fluid pressure की वजह से वो अपने position को gain करता है या उसे resume करता है। अब हमारे पास है exoskeleton. Main हमारे पास two types of skeleton हैं। एक हमारे पास endoskeleton है और एक हमारे पास होता है exoskeleton. एंटोस्केलेटन ह्यूमन में प्रेजेंट होता है अगर ह्यूमन की बॉडी देखें तो ऊपर से हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन उसके अंदर हमारे पास बोन्स प्रेजेंट होते हैं जबकि हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें जो आउटर सरफेस होता है उस पर उधर स्केलेटन प्रेजेंट होता है इनसाइड जो होते हैं वो हमारे पास डेलिकेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सिंपली जिस जहाँ पर स्केलेटन या बोन्स कार्टिलेज इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है एंटोस्केलेटन और जहाँ पर आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है एक्सोस्केलेटन एंटोस्केलेटन और जो हमारे पास uh, चलिए वो आगे बढ़ते हैं सेक्सेज आर सेपरेट इन आर्थरोपोडस फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेटामोर्फोसिस मीन जो पूरा इसका लारवल स्टेज होता है और प्रॉपर जो हमारे पास मेटामोरफोसिस का प्रोसेस होता है उसका इस उसके थ्रू ही इसकी डिवेलपमेंट होती है डायरेक्ट डिवेलपमेंट नहीं होती बल्कि पूरा पहले हमारे पास एग्स हमारे पास एक अर्ली लारवा एक रिलीज़ होता है उसके बाद लार्वा है वो लार्वा जो होता है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करके फुल साइज लार्वा में चेंज होता है फिर लार्वा के बाद नेक्स्ट जो इनका डेवलप्ड स्टेज आता है वो हमारे पास होता है प्यूपा एंड देन फाइनली एडल्ट हमारे पास इंसेक्ट या एडल्ट इंडिविजुअल आता है मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एग रिलीज़ होता है एग से हमारे पास फिर होता है एमेचोर लार्वा रिलीज़ होता है इमेच्योर लार्वा के बाद हमारे पास जो लार्वा होता है वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्यूपा और प्यूपा के बाद वो फाइनली एडल्ट फॉर्म में आ जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस मेटामॉरफोसिस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं एक हमारे पास होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और सेकेंड हमारे पास होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एडल्ट को और उस टाइम एडल्ट को कहा जाता है निम इसमें क्या होती है लार्वल स्टेजेस प्रजेंट विच रिजम्बल्स दी एडल्टम्फ फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच जबकि कम्प्लीट जो हमारे पास मेटामोफोसिस होता है वो पूरा का पूरा एग उसमें होता है फिर लारवा पे प्यूबा एंड देन एडल्ट पूरा जो प्रोसेस हमने मेटामोफोसिस इससे पहले डिस्कस किया वो होता है कम्प्लीट मेटामोफोसिस और इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस में हमारे पास लारवल स्टेजस होती हैं लेकिन वो रिजम्बल करती हैं एडल्ट को और उस टाइम एडल्ट को कहा जाता है निम्स इसके अलावा हमारे पास ऑर्थ्रोपोर्ट्स में एक और भी फिलोमिना होता है जिसे कहा जाता है मोल्टिंग और एकडाइसिस हमारे पास होता है मोल्टिंग और मोल्टिंग और आ, एग, कहते हैं प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एग्जोस्केलेटन जब एग्जोस्केलेटन की शेडिंग होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग और ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है इन ऑर्थ्रोपोर्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थ्रोपोर्ट्स इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर मेजर क्लासेस क्रस्टेशिया इंसेक्टा आर्कनाइडा एंड मायरियोफोड इसमें अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल देंगे तो क्रस्टेशिया में हमारे पास एग्ज़ाम्पल में आता है क्रैब क्रैब लुबस्टर प्रॉन वुड लाउस लाउस हम इधर स्पेस कम है इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ लिखने की जगह यहाँ पर कम है सेकेंड हमारे पास है इंसेक्टा इंसेक्टा में हमारे पास आते हैं ड्रैगन फ्लाई डिफरेंट बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाई ट्रैगन फ्लाइज के अलावा मॉस्कीटोज बटरफ्लाइज मॉथ्स, मौ वेस्ट बीटल्स एसेट्रा थर्ड हमारे पास है आर्कनाइट आर्कनाइट में हमारे पास आते हैं स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस, माइट्स टिक्स और लास्ट फोर्थ हमारे पास है मायरीपीड जिसमें हमारे पास आते हैं सेंटीपीड, एंड मिलीपीड्स एवोल्यूशनरी इन और स्ट्रॉन्ग, फ्लैक्बल एक्सोस्केलेटन, बॉडी सेगमेंटेशन वाइड वेराइटी ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एक्वेटिक के लिए जो प्रेजेंट होते हैं गेल्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पेयर्ड एक्सक्रीटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम विद डॉसल ब्रेन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स इकनॉमिक इम्पॉटेंस औरपोर्ट्स हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं और कुछ हमारे पास हार्मफुल होते हैं बेनिफिशियल में हमारे पास क्या होता है दे प्रोवाइड ह्यूमन फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को ये फूड प्रोवाइड करते हैं चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो इसके अलावा हनी बीज हनी एंड बीज बी वैक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बी सिल्क बाय सिल्क वॉम्स wax is secreted by lac insects insects also हेल्प इन pollination एंड एक्ट एस scavenger इसके अलावा हमारे पास इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इंसेक्ट डिस्ट्रॉय अदर इंजरियस इंसेक्ट हार्मफुल इस्पेशल हमारे पास है कि दे डिस्ट्रॉय फील्ड क्रॉप्स फ्रूट ट्रीज एंड टिम्बर प्लाट्स देर डैमेज स्टोर्ड ग्रेन्स दिस पॉइल यूजफुल आर्टिकल्स इन हाउसेस स्प्रेड डिजीज अमंग्स उसके बाद हमारे पास लास्ट फाइलम है फाइलम एकाइनो एखाइनोडर्म डरमेटिक जो वर्ड है ड्राइट हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड एखाइनोज एक मीन्स स्पाइनी एंड डर्मा मीन्स स्किन इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है स्पाइनी स्किन होती है दे आर कॉ स्पाइनी स्किन एनिमल्स इनके बॉडी पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स में हमारे पास है कि दे आर फ्री लिविंग एंड सम आर अटैच टू सबस्ट्रेटम कुछ हमारे पास फ्री लिविंग है और कुछ अटैचड होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन एकानोडर्म्स हमारे पास क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं और ज़्यादातर ये जो सीज़ होते हैं उसके बॉटम में प्रेजेंट होते हैं नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं इन शैलो सीज़ बॉडी इज़ कवर्ड बाई ए डेलीकेट एपिडर्मि इनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है बाई डेलीकेट एपिडर्मस उससे पहले हम बात करते हैं एकाइनोडर्म्स और ट्रिपलो प्लास्टिक सीरोमेट एंड एग्जिबिट रेडियल सीमेट्री इसके हमने बात की थी कि एकैनोडर्म्स के हमारे पास एडल्ट में रेडियल सीमेट्री प्रजेंट होती है जबकि जो लारवे होते, है, होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं बायोलेट्रल सीमेट्री अब यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ लार्वे हैं एक हमारे पास है बाई फेनेरिया लारवा जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ लारवा होता है एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लारवा इज कार्ड ब्रेक्योलारिया लारवा जो कि हमारे पास सेकेंड स्टेज ऑफ लारवा है और ये दोनों हमारे पास होते हैं बायोलिट्रली सिमेट्रिकल बॉडी इज कवर्ड बाई डेलीकेट एपिडर्मस बॉडी जो होती है उसकी कवर होती है डेलीकेट एपिडर्मस से एन एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पाइन बेयरिंग कैल्शियम रिच प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन नॉट एक्केलेटन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जिस पर स्पाइन लाइक मीन्स घंटे की तरह इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और वो बंदे होते हैं कैल्शियम सेलोम कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड स्पेसिस इसके जो सीलोम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है स्पेसिस एंड कैनाल्स ये इसका हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब फीट जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसको हम डिस्कस करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेसेंट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइन ठीक है स्पाइन जिसकी स्पाइनी स्किन होती है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि रिच होते हैं कैल्शियम से ये पूरा का पूरा इसका हमारे पास क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसके दरम्यान में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अलावा कार्डिक स्टमक इसका जो एन एस आप देख सकते हैं इसका एन एस कहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके अलावा हमारे पास सीवी प्लेट्स डाइजेस्टिव क्लैंड ग आपको क्लियरली इधर दिखाई दे रहे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर द ट्यूब फीट जो कि आपने यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर ट्यूब फीट जो है ये हमारे पास क्या है इसके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है दे आर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इनके जो रिप्रोडक्शन सॉरी डाइजेशन और रिप्रोडक्शन है उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्पेशल ऑर्गन्स नो स्पेशइज ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के लिए किसी भी किस्म का स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता नर्वस सिस्टम इनका पूरी डिवेलप्ड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरी डिवेलप्ड होता है सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन आर कॉमन रीजनरेशन की बात हमने कर ली थी कि जब भी कोई पार्ट इसका मिस्टेकनली या अगर इसकी बॉडी डिवाइड हो जाए टू पार्ट्स में तो ये दोबारा रीजनरेट कर लेता है ऑटोटॉमी हमारे पास क्या होती है ये हमारे पास होती है कि मीन अगर ऑर्गेनिज़म्स किसी वजह से खुद ही अपने किसी बॉडी पार्ट को कट कर लेता है उसे कहा जाता है ऑटोटॉमी मीन्स कि ये ये खुद करते हैं बाय सेल्फ लाइक लेजर्स अगर इसकी कॉमन एग्जांपल है लेजर्स पे जब भी कोई इसका एनिमल अटैक करता है तो वो अपना टेल कट कर लेता है ताकि जो उसका जो इंडिविजुल होता है जो मीन्स दूसरा वो इंडिविजुअल होता है वो उसे लगता है कि लेज़र्ड जो है उसे काफ़ी नुकसान हो गया उसका टेल कट हो गया तो ये अभी सर्वाइव नहीं कर सकेगा लेकिन ऐसा नहीं होता वो खुद ही अपना एक बॉडी पार्ट कट कर लेता है और उसको दोबारा फिर वो क्या कर लेता है रीजनरेट करता है तो इस तरह के फिनमिना को कहते हैं ऑटोटॉमी और रीजनरेशन में तो ये होता है कि कट हो जाता है या अगर उसका एनिमी से कट कर देता है या अगर वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो फिर वो दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है कम्प्लीटली लेकिन ऑटोटॉमी में वो ख़ुद ही अपने किसी बॉडी पार्ट को रिमूव कर लेता है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अपेंडिक्स की तो अपेंडिक्स अगर हमारे बॉडी से रिमूव भी हो जाता है हम ख़ुद ही रिमूव कर लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता इधर फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली हमारे पास प्रेजेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ट्यूब्स का यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे पास डिफरेंट ट्यूब्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टोन कैनाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे पास क्या है स्टोन कैनाल प्रजेंट होता है इस स्टोन कैनाल से स्टोन कैनाल के साथ हमारे पास है रिंग कैनाल यहाँ पर हमारे पास स्टोन कैनाल है फिर हमारे पास है रिंग कैनाल और इसके साथ इससे बाकी जो कैनाल्स हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एम्पूला रेडियल कैनाल लेटरल कैनाल ट्यूक्फेड इनके थ्रू क्या करता है वाटर सर्कुलेट करता है इन चैम्बर्स के दरमियान वाटर एंटर होता है थ्रू मेड्रीपोराइट या यहाँ पर हमारे पास है पोराइट के थ्रू वाटर क्या होता है एंटर होता है और इस तरह से इस पूरे जो वाटर वैस को जो सिस्टम है इसमें सर्कुलेट करता है इसमें जो ट्यूब फीट है ये इसका क्या है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इसके तो ये क्या करता है ऑर्गन सॉरी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट करती है और इनके ये जितने भी हमारे पास ये फुट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं ये हमारे पास सारे हैं हैंडर्म के हमारे पास है सी अर्चन ब्रिटल स्टार स्टार फिश सी ले इसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी एडिप्टन ऑफ इकाइनोटर्म्स एवोल्यूशनरी एडप्टन में हमारे पास है डर्मल एंडोस्केलेटन अब व्हाट इज़ डर्मल एंडोस्केलेटन डर्मल एंडोस्केलेटन हमारे पास अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन में हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और वो कार्टिलेज पे टाइम के साथ रिप्लेसड हो जाते हैं बाई ब लेकिन हमारे पास डर्मल एंडोस्केलेटन में प्रजेंट होता है डेंटिन इंस्टेड ऑफ कार्टिलेज डेंटिन हमारे पास क्या होता है डेंटिन हमारे पास uh, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं बोन की तरह कैल्शियम से बनता है कैलकेरियस मटेरियल होता है लेकिन ये बोन से ज़्यादा हार्डर होता है और डेंस होता है तो वो स्केलेटन एंडोस्केलेटन जिसमें कार्टिलेज के बजाय डेंटिन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है डर्मल एंडोस्केलेटन और डर्मल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं एकानोडर्म्स में और इसके अलावा वाटर सिस्टम की हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास वाटर मूव करता है और इस ये यूज़ होता है ये जो इनकी जो मूवमेंट होती है वाटर की ये टेंटिकल्स और ट्यूब फीट इस मूवमेंट को यूज़ करते हैं फॉर मींस लोकोमोशन एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स आर एबसेंट देयर इज नो ब्रेन एंड वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग एडेप्टेशन इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमारे पास है कि मैन एक आर यूज एज फूड ड्राइड स्किनोडर्म्स आर यूज एज फर्टिलाइजर्स दे आर ऑल्सो हार्मफुल काज डैमेज टू ऑइस्टर बर्ड द स्टिंग सी अर्जन आर पॉइसनस इसमें जो हमारे पास यहाँ के ड्राइड स्किन ऑफ इकैनोडम्स आर यूज एज फर्टिलइजर्स तो जो ड्राइड स्किन होते हैं उसमें हमारे पास प्रजेंट होते हैं हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर इसके अलावा हमारे पास जो स्टार फिश होता है इट आल्सो एक्ट एज ए स्किवेंचर जो कि वो सी वाटर को क्लिन करता है और इसके अलावा हमारे पास है मैनी कानूटर्म्स आर यूज एज़ फूड फॉर एग्ज़ाम्पल सी कोकम्बर इज़ यूज इन मेकिंग सूप इन चाइना चाइना में सी कोकम्बर को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सूप गड्स ऑफ सी अरचन आर ईटन इन साउथ अमेरिका एग्स ऑफ स्टार फिश सी अरचन आर ईटन इन वेस्ट इंडीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ में चूंकि ये सी uh, फूड इतने कॉमन नहीं होते लेकिन हमारे पास जो बाकी साउथ अमेरिका है चाइना हो गया वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ फूड तो ये हमारा आज का लेक्चर था इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स में हमारे पास पे फर्दर मींस फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इन आवर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच